मैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजार पे गया मिस्र में। मैं वहां गया ना, यकीन जानिए वहां एक ऐसी हैबत का निजाम था, मैं जिधर देखता था सूरत रहमान लिखी हुई थी, फजाऊं फजाऊं, सूरत रहमान ही सूरत रहमान थी, सूरत रहमान ही सूरत रहमान थी। और फिर किसी साहब नजर ने उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा कि सूरत रहमान क्यों थी। पर मैंने सारी उम्र रोजाना 125 बार सूरत रहमान पढ़ी। और आज भी जो बंदा अल्लाह किसी को तौफीक दे दे, बात लोगों की जुबानों पे कुरान ऐसे असबर हो जाते हैं। मुझे उस दिन एक साहब ने बताया, आज मैंने 17 पारे पढ़ ली है। मैं कि मैंने 125 दफा सूरत रहमान रोजाना पढ़ी है। और उनने पूछा, जिन्होंने मुझे बताया किसी साहब नजर ने, कि हजरत आपने सूरत रहमान 125 दफा रोजाना पढ़ी है तो उसका कमाल क्या मिला आपको। पर मैं उसका कमाल ये मिला है कि मैंने आंखों से फरिश्ते भी देखे हैं, जन्नत भी देखी है, दोजख भी देखी है, अल्लाह का दीदार भी किया है, अल्लाह से मुलाकात भी किया है। और मैं जिस वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार हस्ती से मुलाकात करना चाहता था, मैं सिर्फ पढ़ता था अर रहमान, वो कायनात के पर्दे हट जाते थे। सिर्फ अर रहमान, कायनात के पर्दे हट जाते थे।